દેવ જણ જોવા માંગતો જે પેલું ના મળ્યા આજે પારે अंदर लगा देना गाड़ी वही तो वो गाड़ी किसका लगा क्या साइड आई बस बोलो भाई अंदर अरे दिख ही नहीं रहा यार एक मिनट देखते हैं तो एक उम्मीद जगती है और हमारे साथ सुनील शेट्टी जो इस पूरी बुनियाद को रखने वाले हैं। सुनील बड़ा अलग तरह का माहौल और ये एक सरप्राइज है कि इतने सारे लोग हम सोच रहे थे कि शायद भारत में एडवेंचर स्पोर्ट्स जो है वो दूर की बात है लेकिन आपने एक तस्वीर दिखा दी तस्वीर दिखाई जरूर है लेकिन सेकंड एडिशन भी है और लोग बढ़ते गए इसमें आप देखेंगे तो हमारे से बस देखिएगा
चल पुश कर लास्ट रियली गुड टू सी यू. और जब भी आपको देखते हैं इंस्पायर होते हैं आपसे. और मैं इस पूरे एडवेंचर की बात जब मैं 2.0 देखता हूँ ना मटस्कल में, तो मुझे भी रजनी सर की फिल्म याद आती है. वहाँ पे भी कहीं मोबाइल की बात है और कहीं बाहर जाने की बात है. हाउ डू यू सी दिस कंपैरिजन? और यू हैव स्टार्टेड लॉन्ग बिफोर, यू नो, बिफोर द फिल्म. नो, बट आई थिंक द सक्सेस ऑफ 2.0 इज व्हाट वी वुड वांट टू ड्रीम फॉर मटस्कल 2.0. रजनी सर तो भगवान है, एंड प्लस विद समवन लाइक अक्षय इन द फिल्म, you know, it's doing the kind of business that it's doing. And bachche pagal ho rahe hain, aur jo message hai wo bahut zabardast hai, you know, from a point of view of social media. Main ye nahi kahunga telephone is good, humko joda hua. Agar aap medically dekhenge to it's thanks to the mobile phone ki kitni sari zindagiyan bachi hai in every way. लेकिन जैसे कि मैं कहता हूँ, एक्सेसिव यूज़ ऑफ एनीथिंग इज़ बैड. तो वैसे ही सोशल मीडिया एंड एक्सेसिव यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ बैड. बाहर निकलिए, मटस्कल हो, क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स से जुड़िए, वेलनेस से जुड़िए, आप देखेंगे कि लाइफ और ज़िंदगी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत बदलाव आएंगे ज़िंदगी में. बच्चे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आप किसी भी चीज़ का हिस्सा बनते हैं बहुत सोच समझ कर, बहुत चुन के, यू नो, यू आर वेरी चूजी. एब्सोल्युट. और जब मैं मटस्कल की बात करता हूँ, दूसरा कामयाब ईयर है, अब साल है, मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट भी बढ़े हैं. द टाइम व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस, सोचा था इतना ज़्यादा कामयाब होगा? आई थिंक जो पैशन मैंने देखा हुआ है आशीष में, मैं सुबोध में, सैम में, इट वॉज अनकम्पेरेबल. एंड जब प्रेजेंटेशन किए, उन्होंने कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन नहीं किया, उन्होंने दिल से प्रेजेंटेशन किया. सैमी हर चीज़ पे बोर्ड लेकर लिखने लगता है, और जब आप एक आदमी में वो पैशन देखते हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये जूनियर मैं हूँ, यू नो, तो वो पैशन है. एंड देन व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, देर इज़ नो वे दैट इट कैन नॉट बी सक्सेसफुल. एंड आई थिंक द ग्रोथ ऑफ दैट कमिंग इन टुगेदर ऑफ ब्रांड्स लाइक पोलारिस, कमिंग टुगेदर, यू नो, Pankaj is here, and the kind of support that they have given us, whether it is Mahindra and their jeeps, whether it's their riders with the gypsies and the vehicles that they bring in, I think that has made Mudskill. The entire location that we have, I think isse khoobsurat location aapko kahin milega hi nahi. Pani bhi hai, pahad bhi hai, forest bhi hai, you know. So I think Canary Farms and their belief in the product has made it bigger. Jaise bolte hain ki har saal bada hote jana chahiye, I think last year bahut bada tha, usse bada is saal hua hai, which is superb. ओके सुबोध, अन्ना ही हमेशा जहन में थे, और अन्ना को कन्विंस करना कितना, जैसे मैंने कहा, इज वेरी चूजी, चाहे फिल्मों की बात हो या किसी ब्रांड से जुड़ने की बात. अन्ना स्पोर्ट्स को लेके, एडवेंचर को लेके, एक सेकंड अन्ना के पास, मतलब मैं गया, अन्ना ने एक दो मिनट में यस किया. ये एडवेंचर को अन्ना हर वक्त सपोर्ट करते हैं. अन्ना मेरे लिए जब भी किसी भी चीज़ का आगे आते हैं. क्या आपको उम्मीद थी इतना कामयाब हो जाएगा सब कुछ? आ रहा है, यू कैन सी द सक्सेस, यू नो, इट इज विजिबल. नहीं, सोचा नहीं था हमने इस तरह से, बट अब आगे धीरे-धीरे बढ़ रहा है. अन्ना, डू यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ गवर्नमेंट टू बी इन्वॉल्व इन इट? दिस इज अबाउट आउटडोर एक्टिविटी वेयर, यू नो, चिल्ड्रन और एडल्ट कैन पार्टिसिपेट, यू नो, इट इज समथिंग वेरी. सी, आई थिंक मोर देन गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन, फर्स्ट इफ द राइट्स ब्रांड्स अटैच्ड विद यू, देन यस. आई थिंक गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन शुड ओनली कम इनटू प्लेसेस वेयर वी कैन गिव a lot more jobs and a lot more employment to people, and that will happen automatically when outdoor activities happen. A lot, many people get jobs. So I don't think that is something that we are looking for. We are looking more from support from a point of view of brands, because it's a very difficult sport, and it's not the best times when it comes to sponsorships and stuff like that. We are all going through tough times. There is a change in the country, a very positive change in the country. There is right coming out, you know. So we are all going through the highs and lows, and willingly going through the highs and lows. If India is going to become a better place to do business, we would want to go through the lows also. Why do you only want to see highs in your life? You don't learn anything from that. So it is very important ki waisa ho. Aur agar brands saath aaye, it's a very expensive sport. I know financially Subodh and Sam and all of them are putting in theirs to be able to hold this together. But hats off to them.
ओके अन्ना, अभी मैं बहुत इंटरव्यू के दौरान मैंने देखा आप लाइक की और दिल से करने की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया को लेके आप बहुत कुछ कह रहे थे, एंड आई नो यू एज अ पर्सन कि आप किस तरह के इंसान हैं, इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, तो वही मैं कह रहा हूँ कि लाइक से ज़्यादा हम अगर रिस्पेक्ट पे वर्क करें, और रिस्पेक्ट होती है रियल वर्ल्ड में, लाइक होती है वर्चुअल रियलिटी वर्ल्ड में। मेरा मानना है कि वर्चुअल रियलिटी ही वो दुनिया है जहाँ हमारे बच्चों को बहुत, आपको बच्चों को सब इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट खाना, इंस्टेंट कपड़ा, इंस्टेंट फर्नीचर, इंस्टेंट सब कुछ, इंस्टेंट लाइक्स, इंस्टेंट एवरीथिंग। दो चीज़ों में आप याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी इंस्टेंट नहीं होता, वो एक प्यार, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, वक्त बिताओगे तब वक्त आपको मिलेगा, रिलेशनशिप बढ़ते जाएंगे तो वक्त दीजिए, और नौकरी। आप डायरेक्टली आज आके इनकी कॉर्पोरेट दुनिया के कुर्सी नहीं छीन सकते, इट्स दी एक्सपीरियंस दैट गेट्स यू देयर। वर्चुअली लैपटॉप खोल के, प्रेजेंटेशन खोल के अगर दुनिया बनती तो आज ये फाइनेंशियल स्टेट दुनिया का इकोनॉमिकली नहीं होता। गेट देयर, वर्क, गेट जॉब सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर। तो इसलिए बाहर निकलना, मैं नहीं बोल रहा हूँ मटस्कल, आप कुछ भी बनने, आप वॉक के लिए जाइए, टेनिस के लिए, बैडमिंटन के लिए, बाहर निकल के अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। दैट्स ऑल आई हैव टू से। लास्ट क्वेश्चन अन्ना, तेरा घर मेरा घर जैसे आपने जिक्र किया कि अब सिनेमा बदल रहा है, बरेली की बर्फी की बात हो, अंधाधुंध की बात हो, बधाइयों की बात हो, हाउ डू यू सी दिस चेंज, और आपको लगता है कि तेरा घर मेरा घर अब आती तो लोगों को समझ? एब्सोल्युटली, आई थिंक डेफिनेटली समझ में आता, क्योंकि तब मेरी ऑडियंस ऐसी चाहती थी कि सुनील शेट्टी अगर किसी को मारे नहीं और खून नहीं दिखाई दे और बाइसेप्स नहीं दिखे तो फिल्म ही नहीं चलेगी, तो दैट वॉज अ डिटरेंट। लेकिन फिर भी मैंने वही फिल्में की जो जिससे मैं खुश रहा, उन्हीं के साथ काम किया जिसके साथ मेरा रिलेशन रहा, नुकसान बहुत हुआ लेकिन इट वॉज एन एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं आहान और अतिया के लिए काम आएगा। यू नो दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट यू नेवर फेल, यू ओनली लर्न, एंड यू नो आई हैव लर्न फ्रॉम दिस एंड आई एम मूविंग ऑन। अच्छा है क्योंकि नए टैलेंट को मौका मिल रहा है, नए डायरेक्टर्स को, नए सब्जेक्ट्स को, इंडिया को हम जोड़ रहे हैं थ्रू दीज फिल्म्स। एक फिक्टिशियस वर्ल्ड, एक वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे छोटे छोटे शहरों को और उसकी महत्व को हम लोगों को दिखा रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप कहीं भी जाएं, अलग लोग, अलग खाना, अलग कपड़े, अलग दिखना, आप वेस्ट में कहीं भी जाइए आपको वहीं दिखेंगे ब्रांड्स। तो आप कहीं भी हो सकते हैं, ब्रांड वही होगा, खाना भी वही, लोग भी वही, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग इनफ। हेरा फेरी के बारे में कुछ बताना जी? हेरा फेरी आई थिंक इस साल बनेगी और 2020 में रिलीज होनी चाहिए, लेकिन बनेगी ज़रूर, क्योंकि फिरोज भाई और हम सब बहुत ही दिल से लगे हैं। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू, हाँ सचिन तो और कैमरे में नहीं आया तो किस में आएगा? पीछे जा, हल्का सा पीछे, बस 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 परफेक्ट। अरे क्या नाम क्या इनका? उसकर। हम लोग 20 लोग के साथ आएंगे, आए थे, लग रहा है 18 के साथ ही जाएंगे। ये ले लो, ले लो। देखो कितने लोग भाई, आराम से भाई 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 भाई, क्या कर रहे हो? देखा है? अरे पुष्कर भाई, अभी हवा चेंज हुई। हवा चेंज हो गई। अरे हट हट हट, अरे
कैसे हैं आप लोग? Come on.